बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपने भी शायद फेस की होगी, यहाँ पे जो है गूगल क्रोम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, किल पेज और वेट का। ठीक है, तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम की क्या वजह होती है, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे तरीके जो कि अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इन चार तरीकों पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इस कोने में मौजूद लाल बटन पे क्लिक कर सकते हैं, फिर से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कैश क्लियर करनी है। ठीक है, और कैश क्लियर करना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पर कंट्रोल शिफ्ट और डेल की इकट्ठा प्रेस करना है। ठीक है, इससे आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके पास यहाँ से डायरेक्टली जो है ब्राउजिंग डेटा जो है वो शो हो जाएगा आपको। और यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों को अनचेक कर देना है। ठीक है, एंड इसको जो है आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप लोगों ने क्लियर करना है तो यहाँ पे जो है आपका जो है काफ़ी सारा आपका जो कैश जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो पहला स्टेप आपका जो है पूरा हो जाएगा। फ्रेंड दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि आपके ब्राउजर में जितने भी बैड एक्सटेंशन है या फिर ऐसी एक्सटेंशन है जो कि आप ज्यादा यूज नहीं करते उनको आप लोगों ने रिमूव कर देना होगा। दोस्तों एक्सटेंशन रिमूव करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पे आना होगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने बोर्ड रूल्स पे क्लिक करना है, देन एक्सटेंशन। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद ये सारी एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसा कि ये एक्सटेंशन है किसी काम की नहीं है मेरे। ठीक है, इसे आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ये जो है ये भी मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वो एक्सटेंशन होनी चाहिए जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फ्रेंड तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूजर डेटा का जो फोल्डर होता है उससे आप लोगों ने रीनेम करना होगा। होता क्या है, क्रोम आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन होती है वो एक फोल्डर में सेव रखता है, और अगर आप उस फोल्डर को रीनेम कर देते हैं तो फिर क्रोम को जो है ऑटोमेटिकली नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और नया फोल्डर क्रिएट होने से आपकी जो पुराने वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्रोम बंद कर देना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है पर्सन लोकल ऐप डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको जिस तरह का डेटा देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन लोकल ऐप डेटा यहाँ पे आपके पास आ चुका है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है गूगल, गूगल के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है क्रोम, और क्रोम के बाद यूजर डेटा, एंड देन आप लोगों को यहाँ पे फोल्डर मिल रहा है डिफॉल्ट का, इस पर आपने सिंपली रीनेम कर देना है। रीनेम आप कर सकते हैं किसी भी चीज से, यहाँ से आप इसके आगे बैकअप लगा दीजिए या कुछ भी। ठीक है, इसको सिंपली आपने रीनेम कर देना है, वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट काम जो आप लोगों ने करना है वो है आप लोगों ने सिंपली क्रोम को जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, ये तीन स्टेप्स आप लोगों ने करना है, उसके बाद जब आप गूगल क्रोम को रीसेट कर देंगे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं आपको ब्राउजिंग के दौरान, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नीचे की जाने का ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग्स का। ठीक है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रही है रीस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रीसेट कर सकते हैं, इससे अगर आप रीसेट पर क्लिक करते हैं तो आपका क्रोम बिल्कुल रीसेट हो जाएगा और आपकी मोस्टली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व। फ्रेंड आज वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को भी क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।